नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, ये मेरा ब्लाउज है, पुराना तो नहीं कह सकते हैं, नया ही है, क्योंकि ये ब्लाउज पहले मैंने मेरे सासू जी के लिए बनाया था, तो वो नहीं पहन रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं नहीं पहन रही हूँ तो तू पहन ले, तो मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ। तो वो क्या है कि वो गला छोटा पहनते हैं, ये गला 8 इंच का है, तो मेरे को चाहिए था 10 इंच का गला पीछे का। तो अब ये गला बड़ा करना है, तो किस तरीके से करेंगे तो ये ही आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, पहले जो इसके हुक बटन जो भी है वो खोल लेंगे और फिर इस तरीके से इसको बीचों बीच से फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। और फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पिन लगा देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर नहीं हो और हमारे गोलाई एकदम से सही कटे, कोई थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2-3 पिने लगा दी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने गले को सेट कर दिया है और अब यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि 2 इंच हमें गला बढ़ाना है, तो 1.5 इंच का निशान लगा दूंगी, क्योंकि 1/2 इंच वैसे भी सिलाई में जाएगा तो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से निशान लगा दूंगी जितना आपको गला बनाना हो, और यहाँ पर आप डिजाइन भी बना सकते हो, पर मेरे को सिंपल ही रखना है राउंड नेक। तो इस तरीके से मैंने गले को कर दिया है, और करने के बाद में देखिए ये इतना बढ़ गया है गला। और अब क्या करेंगे कि यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर जो पहले की सिलाई है उसको भी थोड़ा सा निकाल देना है। और अगर पाइपिंग हो आपके ब्लाउज के पहले, तो आप यहाँ पर नई पाइपिंग लगा सकते हो, और पाइपिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। पर मेरे पास क्या है कि इसका मैचिंग का कपड़ा नहीं था, ज़्यादा पाइपिंग लगाए इतना, तो मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। और इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाती होंगी, और बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि हमने बाद में सिलाई लगाई है इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है इसको पूरी गोलाई में। तो इस तरीके से भी ये ब्लाउज का पीछे का गला बढ़ गया है और बनकर तैयार हो गया है। आप ऐसे भी पहन सकते हो अगर आपको सिंपल नेक चाहिए तो। तो मैंने ये गला तो कट कर ही दिया, तो मैंने सोचा थोड़ा इस पर लेस वेस लगा के थोड़ा सा अच्छा बना दूं। तो देखिए, यहाँ पर जो गले पर लगाते हैं वो जो आसानी से घूम जाती है वो वाली लेस है, तो उसको अटैच कर दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर रख कर कंधे के यहाँ थोड़ी सी फोल्ड कर देंगे अंदर, ज़्यादा नहीं तो ऊपर ऊपर दिखेगा। और देखिए, इस तरीके से गोलाई में इस लेस को लगा देंगे ब्लाउज के। और आप चाहो तो यहाँ पर और भी डिजाइने डाल सकते हो, अलग अलग फ्रिल वगैरह ये भी डाल सकते हो, पर ये कपड़ा वैसे भी हेवी है तो इसमें मैं और ज़्यादा डिजाइन नहीं लगाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए, मैं पूरी पे ये लगा दूंगी लेस, फिर इस पर डबल सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। और अगर थोड़ा गला बड़ा किया है तो थोड़े से कंधे गिरने की समस्या रह जाएगी, क्योंकि हमने पहले कटिंग छोटे गले के हिसाब से की थी, कंधे थोड़े बड़े कट कर दिए थे। तो देखिए, अब ये ही मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा था, तो इस पर मैं लटकन बना दूंगी ब्लाउज के। और तो रेडीमेड डोरी होती है, वही डोरी लेकर आई हूँ जो गोल्डन कलर की है, क्योंकि हमने ब्लाउज के पीछे गोल्डन कलर की लेस लगाई है, तो गोल्डन कलर की डोरी लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से लटकन बनाकर ब्लाउज में लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ 3-3 इंच पर निशान लगा दिए हैं कंधे से नीचे की ओर, और ये डोरी लेस लगा दी है, सॉरी डोरी लटकन। तो इस तरीके से लगा देना है और आपका ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए, और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।